बिस्मान रहीम असल पाकिस्तान आज पाँच फरवरी दो हजार तेईस है और सईद हुसैन हैदर आप सब लोगों के साथ द वॉडकास्ट पॉडकास्ट द कॉमन वॉइस के साथ आज कश्मीर डे हम सब लोग मिलकर बनाएंगे आज का दिन बहुत अहम है जितने भी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हैं वो सब लोग आज अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़े होते हैं आवाज निकालते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम सब लोग एक हैं पाकिस्तान कश्मीर के लिए और कश्मीर पाकिस्तान के लिए हम लोग सब लोग जो हैं वो एहसास कर रहे हैं कि जो हमारे कश्मीरी भाई बहनों के साथ जुल्म हो रहा है और उनको अपने घरों में बंद किया हुआ है उसका हम लोग आज ऐतजाज करते हैं और इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ये जुल्म हो रहा है ये ज्यादी हो रही है और हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की आज़ादी को जो है वो महरूम रखा जा रहा है आज हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत हैं और उनका नाम कर्नल मज़र अलाही साहब हैं कर्नल साहब एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर रीजनल इंटेग्रिटी एंड स्ट्रेटजी के ये एक अहम थिंक टैंक है पाकिस्तान का जो कि सारी दुनिया के मामल और पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनको वो स्टडी करते हैं उसके ऊपर रिसर्च करते हैं उसके ऊपर पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उसकी बेस के ऊपर गवर्नमेंट government और गवर्नमेंट्स को एडवाइस देते हैं कर्नल साहब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा स्कॉलरली और एवर्ड रिसर्चर हैं इन्होंने बहुत सारी डिग्रीज़ की हुई हैं पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के अंदर इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो है जाके उनको स्टडी किया है और खास तौर पे जो साख रीजन है और इंडिया पाकिस्तान और चाइना का जो कोर रिलेशन है इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है वेलकम टू द कॉमन वॉइस कर्नल मजर साहब शुक्रिया साहब कर्नल साहब जैसे अभी बात चल रही थी कि आज का दिन बहुत अहम है फिफ्थ फेबररी 2023 और हर जगह पे हर फोरम पे हर प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग मिल कश्मीर की आवाज़ उठाते हैं कश्मीर के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी बात करते हैं बट कर्नल साहब थोड़ा सा हमें बताइएगा हमारे यूथ को हमारे फ्यूचर को ये ज़रा बताएं कि क्या वजूहत हैं कि ये कश्मीर इशू कहाँ से शुरू हुआ जी बहुत शुक्रिया हुसैन साहब आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया जुल्म के ख़िलाफ़ इस पे मेरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं आपके लिए कि आपने एक ऐसे इशू को उठाया जिस पे बाकी दुनिया बोलने से एतराज कर रही है कश्मीरी कौम का जो जुल्म और इस्ताद की कहानी है ये सदियों पे मुहित है उन्नीसवीं सदी में जब डोगरा राज गुलाब सिंह को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कश्मीर को रकम के अवज़ फरोख्त कर दिया तो वो कश्मीरियों का हक खुदार दियत जो था पहली दफ़ा उसको मजरूह किया गया जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1930 में जब आइडिया ऑफ पाकिस्तान आया साउथ ईस्ट एशिया के मुसलमानों के लिए एक मंदाना ज़िंदगी का एक आ, मैप पेश किया गया उस वक्त कश्मीरियों का जोर जोश व खरोश बहुत बढ़ गया क्योंकि वो आज़ादी की नेमत को तरस रहे थे और इसीलिए कश्मीरी कौम ने पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब आज़ादी की तहरीकें चली दुनिया में और हमने उन्नीस सौ में कायद अजम की क्यादत में अपनी मंजिल हासिल की एक आज़ाद मुमलिकत का वजूद पाकिस्तान की शक्ल में हमें मिला लेकिन कश्मीरियों की कहानी यहाँ नहीं ख़त्म हुई एक साजिश के तहत रेड क्लिफ कमीशन अवार्ड जो था बाउंड्री कमीशन अवार्ड उसमें एक साजिश के तहत लॉर्ड माउंट बैटन जो लास्ट वॉइसराय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उन्होंने उस लकीर नक्शे में तब्दीली करके कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनने की हमवार कर दी फिर जब इंडियन पाकिस्तान और इंडिया तकसीम हुए और न्यू दिल्ली ने अपनी अफवाज नबे फ़ीसद कश्मीरी आवाम की मर्जी के खिलाफ वहाँ भेज के जुल्म के साथ कश्मीर को आ, न्यू आ, इंडिया के साथ शामिल करने का फैसला किया तो कश्मीरी आवाम के लिए जो कि डेड्स की सप्रेशन में थे उस वक्त नुक़रूज को पहुंच गया उन्होंने उस वक्त आज़ादी के लिए अपना अलम खुद उठाया और यहाँ से इस इशू की इब्तदा हुई बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की कर्नल मजर लाई साहब और बिल्कुल आपकी इंटरप्रटेशन जो है वो स्पॉट ऑन है मैं सर ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जब से आर्टिकल थर्टी फाइव ए और थ्री सेवेंटी जो है ना ये मंजर आम पे आया तो अब पाकिस्तान जो है वो क्या कर सकता है देखिए पाकिस्तान से ज्यादा तो ये जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तान की हेल्प कर दी लेट बी से दिस थिंक जिस दिन ये साजिश के तहत इस एग्रीमेंट को वायोलेट किया गया और हिंदुस्तानी फौजों ने कश्मीरी नहते आवाम बच्चे औरतें बूढ़े मरीज़ सब के ऊपर ज़िंदगी के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए तो मेरा नौजवानों को ये पैगाम है ये बल्कि दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के इस अहम काज और कश्मीरी आवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ अपने आप के अपने एक्सप्रेशन के लिए आप इंटेलेक्चुअल रिसर्च करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और हमारे तमाम पॉलिसी मेकरस और डिसीजन मेकरस के लिए वो मवाद प्रोड्यूस करें हिस्टोरिकल आर्गुमेंटेशन सामने लाइए जिसको हम वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक पावरफुल नैरेटिव के तौर पर पेश कर सकें और मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया में ऐसी गवर्नमेंट्स मौजूद हैं जिनको अगर अच्छे तरीके के साथ परसू किया जाए और अच्छे पावरफुल नैरेटिव के साथ परसू किया जाए तो वो हक का साथ देने के लिए हमारे साथ खड़ी होंगी बहुत कम मुमालिक हैं जो के अपने मफादात की वजह से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना दें, लेकिन वो भी गैर जानबदारी की तरफ चले जाएंगे तो इस वक्त इस काम करने की बहुत जरूरत है। क्या मशवरा देंगे हमारी यूथ जो है वो बड़ी आ, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी सेवी है आप क्या मशुरा देंगे कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करें और काउंटर करें इस प्रॉपर को इंडिया के जी बहुत अच्छा ये आपने हालात हाजरा के मुताबिक जो है उसकी जरूरत पर जोर दिया है देखिए मैं इसको इस सेंस में एक्सप्लेन करूँगा कि सेवेंटी फाइव हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए और इस कॉन्फ्लिक्ट को अब वक्त आ गया है कि उस रिस्पॉन्स के लिए नौजवानों को रिसर्च करने की ज़रूरत है एक अच्छा नैरेटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिल्डअप करने की ज़रूरत है और क्योंकि ये एक राइट हक खुद अरादियत और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द कश्मीरी पीपल ये एक ऐसा मज़बूत फाउंडेशन है जिसके ऊपर जब हम नैरेटिव बिल्ड करके दुनिया में लेकर जाएंगे और रिसर्च बेस्ड हो नॉलेज बेस्ड हो और कंटेम्प्ररी जो ट्रेंड्स और आर्गूमेंट्स हैं इस वक्त दुनिया में उनके साथ मुकम्मल हम आहंग हो तो हम उसको भी न्यूट्रलाइज कर लेंगे बल्कि ना सिर्फ न्यूट्रलाइज कर लेंगे क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो जो हक बात की सच्चाई की जो ताकत है वो भी हमें हेल्प करेगी दुनिया को कन्वेंस करने इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर आ, सर ये बताइएगा कि ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है जो जिसका हम बहुत सुनते हैं ये हमारी यूथ जो है इसको कैसे काउंटर करें और किस तरीके से हम लोग जो हैं अपने जो कश्मीरी बहन भाई हैं उनको ये एहसास बता सकें कि हम उनके कंधे के कंधे के साथ खड़े हैं जी ये तो मैं समझता हूँ कि मॉडर्न ट्रेंड्स के मुताबिक आपने जो बहुत ही अच्छी ये वक्त की ज़रूरत है इस पर बात की जाए देखिए फिफ्थ जनरेशन वारफेयर और ये इन तमाम टेक्नोलॉजीज के आने से हुआ ये है कि झूठ और डिस का एक सैलाब आ गया मेरा यूथ से ये जो है मैं जोर दे के कहूंगा कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है झूठ और सच में तमीज करना अपने अंदर अगर आप और ये सिर्फ आप खुद कर सकते हैं अपने अंदर अगर ये आप सेंस डेवलप करें और बल्कि मैं ये भी शेयर करूंगा कि स्कैंडिनेवियन नेशंस में यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि हाउ टू हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं हमारे मुल्क में क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ uh, अभी uh, उस डेवलपमेंटल स्टेज पे नहीं पहुंची तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि नौजवान ये अपनी इस जिम्मेदारी का ख़ुद एहसास करते हुए अपने अंदर खुद सेंस डेवलप करें तो मैं समझता हूँ कि फिर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की जो डिस है उससे इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और जैसे मैंने फिर इसके साथ यही काफ़ी नहीं है इसके साथ फिर अपनी रिसर्च की बुनियाद पे फाइंड आउट दी ट्रुथ और फिर अपना पॉजिटिव बिल्ड बिल्डअप करें ताकि दुनिया हक और सच को पहचाने आ, ये ज़रा बताइएगा कि सवाल तो बहुत सारे हैं बातें भी बहुत सारी हैं और हिस्ट्री भी बहुत सारी है बट आ, चंद लफ्ज़ों में आप हमें ये बताएं कि सर बहसीत पाकिस्तानी हमें किस तरह अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए देखें जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमने चार जंगें लड़ी हैं और 1998 में कारगल में पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत आगे जाके कश्मीर रीजन के जो पांच हैं उनमें से एक रीजन द्रास एंड कारगल जो था उसको ऑक्योपाई कर लिया था तो वो सारी एंडेवर का एज ए पाकिस्तानी जब हम सोचते हैं तो हासिल कुछ नहीं हुआ, आउटकम कुछ नहीं हुआ अब जरूरत इस चीज की है कि कश्मीरी आवाम ब्लैकआउट में है उनके ऊपर तमाम जरूरियात जिंदगी बंद कर दी गई हैं उनको दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया है तो क्या हमारे अंदर वो तड़प क्यों नहीं पैदा हो रही कि जब एक हिस्सा हमारा जो है एक उज जो है हमारा वो इस तरह उसके साथ जुल्म और ज्यादी हो रही है वो जख्मी हो रहा है रोज़ाना लाशें गिर रही हैं तो कब तक हम लाशें उठाते रहें कब तक हम ये जनाजे पढ़ के नारे लगा के घर जाते जाए घर वापस चले जाएँ इस तरह नहीं बात चलेगी अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे पाकिस्तान के जो फॉरन मिशन हैं हमारे एम्बेसीज जो हैं वो रिसर्च बेस्ड पॉजिटिव नेगेटिव के साथ वहाँ मीडिया को कॉन्फिडेंस मिले सबसे पहले तो इसी पाँच फरवरी के सिलसिले में उधर यादगारी तक तकरी तकरीबात करें वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के जो नोटेबल न्यूट्रियल न्यूट्रल मीडिया पर्सनस हैं उनको इन्वाइट करें वहाँ के एक्डेमिया को इन्वॉल्व करें खुद जाएं और ख़ुद जाके एंगेज करें उनको ये वक्त आ गया है एंगेजमेंट का आगे बढ़ के एंगेज करें और अपने इस मुनसफाना और जस्टिफाइड नैरेटिव को उनके सामने पेश करें कान साहब बड़ी ज़बरदस्त आपने गुफ्तु की और जो है ना बहुत सारे आज आपने हमारे लिए कश्मीर डे के कॉन्टेक्स्ट में आपने दरवाजे और खिड़कियाँ खोलें और हमें एहसास करवाया और हमें ये आपने मोटिवेट किया कि हमें जो है ना इंगेजमेंट करनी चाहिए पॉजिटिव नैरेटिव के साथ रिसर्च बेस्ड और एक भरपूर तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हमारे जितने मसाइल हैं हम फोकस करें और एक बेहतर तरीके से जो है ना इस मसले का हल निकालें कर्नल साहब आखिर में आप सिर्फ जो है एक पैगाम जो आप हमारे कश्मीरी भाई बहनों भाई को देना चाहते हैं आज के दिन के नाते से वो पैगाम जरा दीजिएगा कौमों की जिंदगी में लंबी स्ट्रगल आती हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट द इट्स नॉट द स्ट्रगल विच मैटर्स इट्स द कॉज द ट्रूथफुलनेस ऑफ योर कॉज ऑन विच यू टुक द स्टैंड मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पक्ष अगर हम जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं इस कॉज को लेके आगे चलते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे फतेह और शिकस्त होना और चीज है लेकिन हमारे ज़मीर हमारी रूह और हमारी जिंदगी का जो एक जस्टिफिकेशन है हम एक मंदाना ज़िंदगी जी के इस दुनिया से जाएंगे और यही वो पर्पस था जिसके लिए इकबाल ने दो कौमी नज़रिया पेश किया था कि पाकिस्तान सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए नहीं है पाकिस्तान अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बना है आ, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आज आपने बहुत सारी मुफीद बातें ख़ास तौर पर तारीख़ के लिहाज से और जो आज कल फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर और जो मामलात हैं ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से कश्मीर डे के हवाले से और जो पिछले तीन सालों से मुड़ी राज जो है जो और बरबरीत जो है वो लोगों के सांस को भी घुट के रख दिया ज़िंदगी को घुट के रख दिया आज आपने हम सब लोगों को वो जोश दिलाया है कि हमें मिलके रिसर्च ओरिएंटेड और भरपूर तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हमें यक जहती एक एक आवाज उठानी चाहिए कि इनशाला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद